अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका राजा डॉलर व्लॉग में खुश आमदीद है। आज हम मौजूद है अपने गांव के बीचों बीच फसलों के दरमियान में, लेकिन रोज़ आपको फसलों का हम व्यू नहीं कराएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। जो आज मेरे पास बैग है ना, इसमें बहुत खुफिया चीज़ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर जो है वो हमने एक ऑनलाइन ईबे से बाइनोकुलर्स जो है ना वो मंगवाई थी, जो आज हमारी पहुंच गई है शिपमेंट। तो आज हम उसका जो है ना वो रिव्यू आपके सामने लेके आए हैं कि इसकी कैसी पिक्चर क्वालिटी है एंड ऑल। ये अभी हम इसको खोलेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसका क्या है सब कुछ इसके अंदर, ठीक है। तो हम जी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इजाज़त है जी कैमरामैन साहब जी, माशा हाँ जली भी इजाज़त, तो फिर भी चले हम इसका कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। आप जी इसको खोले, ठीक हो गया जनाब। तो फाइनली जनाब हमें अपना ऑर्डर रिसीव हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ज़रा इसका पहले सबको मॉडल दिखा दें कि बूट्स स्क्वाड जैपनीज़ कंपनी है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें कि 10x जूम है और 50mm इसके लेंस की साइज़ है। और इसके अलावा आप ये देखेंगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है फील्ड 105 yards at 1000 YDS। ये इसकी जो है वाइडनेस और ये जो पिक्चर क्वालिटी है ये डिपेंड करती है इस फील्ड के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा आपको बताया जाए तो ये इसका ये जो जो इमेज क्वालिटी है इसकी वो फाइनेस्ट है, HD क्वालिटी के साथ ये बाइनोकुलर्स आती है। और इसका भी हम आपको जूम टेस्ट भी दिखाएंगे, और इसके अलावा भी आप इससे देखेंगे इसका इमेज क्वालिटी और सब कुछ। वो फिर आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसी लगी आपको हमारी नई बाइनोकुलर्स, और इसकी प्राइस तो मैं आपको एंड में बताऊंगा, पहले इसका इमेज टेस्ट वगैरह भी हम कर लें कि वो कैसा है। तो ये जैपनीज़ कंपनी है और ऊपर तो खैर इन्होंने बड़ा लिखा हुआ फुली कोटेड शोडेड, हमने भी बड़ा इसका रिव्यू देख शेख के मंगवाई थी बड़े शौक से। आज पता लगेगा, मैं भी आपके सामने पहली दफ़ा ही देख रहा हूँ, तो इसका अभी आपके साथ ही मिलकर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कैसी रही है हमारा जो है ना ये ऑर्डर कैसा रहा है। फिर मैं आपको एंड में बता भी दूंगा कि अगर आपको चाहिए हो तो आपने कौन से ज़रिए से मंगवानी है, तो आपको शिपमेंट चार्जेस कम पड़ेंगे और कम पैसों में ज़्यादा मज़ा आप ले सकते हैं घर बैठे हुए। देखिए अभी ये मज़ा ही तो करवा रहे हैं हम आपको, क्या ख्याल है जी राज साहब? बिल्कुल चले जी, अब हम मुफ्त में मज़े इनका कराते हैं। तो अभी जब चॉइस कर दो तो अब मैं इनको ओ एक चीज़ तो मैं भूल गया हूँ इसके, एक तो ये लेंस जो है ये कलर्ड लेंस है, ये आप देख सकते हैं आगे, ये आप कैमरामैन साहब जूम करके भी दिखा दें। और इसके अलावा जो इसका प्रिज्म है वो PK7 का यूज़ हुआ हुआ है इसके अंदर, PK7 क्वालिटी का प्रिज्म इसका यूज़ हुआ हुआ है। ये आप जब इसकी इमेज क्वालिटी चेक करेंगे फिर आपको पता चलेगा PK7 से क्या मुराद है, ठीक है। और चले जी अब हम इसका आपको जो है ना वो सामने आप पहले इधर से दिखा दें कैमरे से, वो अब अलम लगा हुआ है कम अज़ कम भी यहाँ से, ये मेरे ख्याल में 400-100 मीटर की दूरी पर होना चाहिए जी राज साहब, या इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से अभी फोकस करने की कोशिश करते हैं कि इसकी इमेज क्वालिटी कैसी आती है। मैं तो पहले खुद पहले देखूं फिर आप, तो माशाल्लाह वाह जबरदस्त यार, जबरदस्त मजा आ गया। अब आपकी बारी है, आप लोग जी। तो व्यूअर्स आपको सामने गुंबद नजर आ रहा होगा इमाम बरगाह का, बिल्कुल जी। तो व्यूअर्स ये सूरज आप देख सकते हैं कि हम इसको बिल्कुल ज़मीन पे ले आए हैं बाइनोकुलर के साथ, कैसी लुक वाली लगी आप? मैं आपको सामने ये आपको बहुत दूर से मैंने अभी जूम किया तो आपको ये खंबा सामने नजर आ रहा होगा, ये कम से कम 2 किलोमीटर के फासले पे है यार। तो आपको मैं अभी इस बाइनोकुलर्स के साथ दिखाता हूँ कि ये खंबा क्या, इसके पीछे जो आबादी है उसको भी आपको देखिएगा कितना क्लियर व्यू लेके आएगा, चेक करें। एक तरह
तरफ आपको हमने सूरज भी दिखा दिए, अलम भी दिखा दिए, और सूरज तो आपको पता है कि कितने हजार किलोमीटर दूर है, अलम भी दूर है। और ये अब मैं आपको सामने ये जो आपको कोठी दूर छोटी सी नजर आ रही होगी बिल्कुल ये सामने, ये कम अज कम भी इधर से 3 से 4 किलोमीटर दूर है या इससे भी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमारे गाँव से दूसरा गाँव ये। तो अभी आपको अब हम इस बाइनोकुलर्स के साथ दिखाते हैं कि इसकी इमेज क्वालिटी कैसी है, क्या ये 4 किलोमीटर तक मार्क कर सकती है, चेक करते हैं हम सब। जो 4 पैसे जाया नहीं किए वो कर सकते हैं, लेकिन असल में मोबाइल भी साथ रखा हुआ है और ये भी इससे बैलेंस नहीं हो रहा। जी तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको हमारा आज ये इमेज क्वालिटी टेस्ट इसका और इस बाइनोकुलर्स का जो रिव्यू हमने आपको क्रैच जाने से पहले मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता चलूं कि ये हमने ईबे से ऑर्डर करके मंगवाया है, ये विदाउट शिपमेंट 30,000 रुपीज़ तक हमें पड़ गई है। ये खैर शिपमेंट चार्जेस डाल के तो फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है कुछ, लेकिन मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि अगर आपने मंगवानी हो तो आप amazon.com से मंगवाएं, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा महंगी पड़ गई है ईबे से, तो आप अमेज़ॉन से ऑर्डर करें, उधर से आपको उम्मीद है कि शिपमेंट भी कुछ जायज़ मिल जाएगी या फिर हो सकता है मे बी कुछ आइटम्स के साथ फ्री भी है उनकी, तो वो आपको ज़्यादा जायज़ पड़ जाएगी। बहरहाल ये मुझे 30,000 प्लस समथिंग 4 or 5,000 जो है ना वो मुझे ऊपर कुछ पड़ गया, तो बहरहाल कोई रिग्रेट नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत आला चीज़ है, अगर 2-4 हज़ार रुपया ऊपर नीचे भी हो गया तो कोई मसला नहीं है, चीज़ बहुत अच्छी आई है हमारी। और आपने भी इसका इमेज क्वालिटी टेस्ट चेक कर लिया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग और आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। और ये अब इसलिए लेके आए हैं क्योंकि बहुत सारे दोस्त यार वहाँ मुझे कह रहे थे कि यार आगे क्योंकि अभी सीज़न चेंज होने वाला है और लोग पिकनिक शिकनिक के लिए भी जो है ना वो भी निकलते हैं आगे पीछे, जैसे मुहर्रम सफ़र ख़त्म होता है थोड़ा सा घूमने फिरने जाते हैं रबी लवल के महीनों में, तो कहते हैं यार वहाँ पर जाना है तो उसके लिए अभी बाइनोकुलर्स आप कौन सी प्रेफर करेंगे, तो मैंने कहा यार मैंने एक मंगवाई भी है तो उसका मैं रिव्यू भी दे दूँगा, तो सब लोगों का जिसने लेनी हो उसका भी भला हो जाएगा कि आप आगे पीछे जो व्लॉगर्स व्लॉगिंग के लिए जाते हैं अपने शौक के लिए, ठीक है आप ये बाइनोकुलर्स रखें, आप दूर दूर से जो भी व्यू है कैप्चर करेंगे आपको अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह आपको रिग्रेट नहीं होगा आप ये जैपनीज़ ब्रांड बूट्स स्कॉट या आप जूम करके देख सकते हैं ये लें तो आपको इंशाल्लाह रिग्रेट नहीं होगा। घूमने वाले अभी भी घूम रहे हैं। हाँ चलो, और इसके अलावा आज का व्लॉग हम यहाँ पर एंड करते हैं और स्पेशली हम अपने भाई साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतनी अच्छी प्रोडक्ट मंगवाने में हमारी मदद की, और इसके साथ ही आज का व्लॉग हम यहाँ पर एंड करते हैं। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन से आप आगाह रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें जी।